नई बस्ती के आरा चौक के पास मौजूद हैं, जिसे अपर चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर कुछ देर पहले ही ये जो सड़क है ये धस गई है, और कारण ये बताया जा रहा है कि आज सुबह यहां पर पीएचई की पाइप जो है वो लीक हो रही थी, जो यहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जिसके चलते यहां से अंदर से जो मलबा है वो नीचे की तरफ चला गया और ये सड़क जो है वो धस गई है। आप देख सकते हैं करीब कोई 2 से 2.5 फीट जो सड़क है वो धस गई है, और आशंका ये जताई जा रही है कि इस एरिया में ऐसी स्थिति और स्थानों पर भी बन सकती है। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ी जानकारी दीजिए, घटना हुई है ये कब की है, और इससे पहले क्या पानी लीकेज हो रहा था उसके बाद ये हुआ है, ये दोनों घटना जो है इन दोनों का संबंध है? अंचल जी शुक्रिया। ये कोई 5:30 बजे की बात है, तो 5:30 बजे पानी आता है, ये लाइन देते हैं, तो 5:30 बजे ये उस दीवार के साथ से वहाँ से निकला पानी, जहाँ से नहीं निकला वहाँ से पानी निकला, हमारे अंदर भी गया और फिर दुकानों के अंदर भी गया। उसी वक्त जाके पीएचई वालों को बोला हमने, तो उन्होंने लाइन तो बंद कर दी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जहाँ आज सुबह 5:30 बजे वहाँ सामने से पानी निकला और आपकी दुकानों के अंदर भी गया? दुकानों के अंदर गया, उधर घर के अंदर गया। उसके बाद आपने पीएचई वालों को इन्फॉर्म किया, उन्होंने पानी तो बंद कर दिया लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा और पाइपलाइन को चेक नहीं किया गया? अभी तक कोई नहीं आया है। गाड़ियां चल रही थी, गाड़ी तो नहीं दसी इसमें, लेकिन ये ऐसे ही बैठ गया। गनीमत रही कि उस समय ये नहीं दसी जब ऊपर से गाड़ी चल रही थी, तो तब नहीं, ये उसके बाद तब कोई हादसा हो सकता था। अगर तब होता, अगर गाड़ी चल रही होती तो हो सकता था। आप ये कह रहे हैं कि पानी से ही जो नीचे का मलबा है वो बह गया होगा और उसके बाद ये स्थिति आई होगी, संबंध है दोनों घटनाओं का? उसी से है। क्योंकि ये पहले जो बन रही थी ना जब, तो उसके बाद 2-3 महीने ये ऐसे ही रहा, नाला बना हुआ रहा इसमें था, लेकिन ये जो निकला है रेता ये उधर अंदर हमारे दुकान के अंदर भी गया है, इधर मकान के अंदर भी गया है। ये नाला है या फिर सड़क थी, इसमें मलबा था नीचे या पहले नाला हुआ करता था? नहीं, पहले नाला नहीं था, जहाँ पाइप नई की पाइप है, पीएचई की पाइप नई पाइप पड़ी है, 4 फुट का खड्डा है नीचे, खड्डा देके ली हुई है, वेल्डिंग की थी, हो सकता है वेल्डिंग टूट गई हो या पाइप टूट गई है, लेकिन ये उसी से निकला हुआ, ये कहाँ तक पहुँचा है कोई पता नहीं, वहाँ भी वहाँ से जहाँ तक भी दरारें आई है, दरारें और साइडों में भी दरारें। अब ये खतरा है कि अगर जल्दी से इसे नहीं देखा गया तो और स्थानों पे भी यही हालात बन सकते हैं, आपको ये आशंका है? नहीं है, अभी अगर इसको देखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? एक तो शहर का पानी बंद रहेगा कि मेन पाइप है ये, कोई शिकायत कितने बजे के करीब आपने की थी और उसके बाद अभी तक क्यों नहीं आए फिर से? 5:30 बजे पानी आता है, 6:45 बजे हमने उनको बोल दिया था जाके कि ऐसे ऐसे पानी अंदर जा रहा था, दुकानों के अंदर भी गया। अब इसकी शिकायत अभी तक आपने की है? इसकी नहीं है, ये तो अभी हुआ, लेकिन चौक में हुआ है। चलिए, हमारे माध्यम से भी और चौक में हुआ है तो जानकारी प्रशासन तक इस समय तक हो सकता है पहुंच गई हो, और अब लोगों की आशंका ये है कि जो स्थिति यहां पर बनी है ऐसी स्थिति आगे पीछे भी बन सकती है, क्योंकि पानी जो है स्थान से होते हुए गया है, पीएचई की पाइप जो है वो लीक हो रही थी जिसकी जानकारी पीएचई विभाग को दी गई, पानी तो उन्होंने बंद कर दिया लेकिन पाइप को रिपेयर करने के लिए वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और उसके बाद ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। तो चौक है, मुख्य चौक है, ट्रैफिक यहाँ पर काफी ज्यादा रहता है और अब जो ट्रैफिक जो है वो बाधित भी हो रहा है, और लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कुछ पत्थर इसके इर्द गिर्द लगाए गए हैं जिसके चलते लोगों को पता चल रहा है, लेकिन अगर ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे और कोई बड़ी घटना भी यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।